हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया एकदम मजेदार तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में खूबसूरत से चैनल में जे आर कॉलेज में जो कि पार्ट है जे आर ट्यूटोरियल का चलो सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज साउंड साउंड ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर वन लेक्चर टू अपलोड कर दिया है ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था बहुत सारे टॉपिक अगर तुमको याद होगा एक क्विक uh, रिविजन दे दूं अगर हम लोग ने देखा हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेव के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि भाई क्या क्या टाइप्स के वेव होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ट्रांसफर्स वेव क्या होता है वो हम लोग ने सारा कहानी डिस्कस कर लिया था उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी ओके okay, कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये उसकी प्रॉपर्टीज है क्रस्ट क्या होता है ट्रफ क्या होता है रेयर फ्रैक्शन क्या होता है कंप्रेशन क्या होता है ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया था बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हम लोग ने देख लिए थे कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड क्या होता है ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया था हम लोग ने वेव का इक्वेशन देख लिया था दैट इज वीज इक्वल्स टू एल नामा ये भी हम लोग ने कर दिया था फिर हम लोग फॉर्मूला देखा, okay, देखा था उसके बाद हम लोग ने देखा था, okay, सारी कहानी हम लोग खत्म कर दी थी आज हम लोग क्या देखने वाले है? आज हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड के स्पीड को इफेक्ट करते हैं इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी है जो wave के जो है जो longitudinal wave है, उसकी जो speed है, उसको फरक पड़ेगा, उसको पड़ेगा, करेगा, ओके? Okay? तो तीन चीज देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बेसिक है, दैट इज एक्को रिवर्बरेशन और ओके? Okay? ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हमारे लेक्चर में तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ओके सो बुक और पेन लेके बैठ जाओ जो भी टॉपिक में बोलता हूं जो भी पॉइंट में बोलता हूं वो नोट डाउन करो जो भी नोट है वो बनाओ क्योंकि बेहतरीन तरीका वही है कि भाई अगर खुद का तुम नोट बनाओगे तो बहुत अच्छे से तुमको चीजें समझ में आएंगे ओके okay? चलो सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो प्रेशर के इफेक्ट देखने के लिए अपने को पता ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं दैट इज योर करेक्टेड फॉर्मूला फॉर लाप्लास का लाप्लास का दिस फॉर्मूला इज द करेक्टेड फॉर्मूला फॉर द लाप्लास दैट इज इक्स टू अंडर रूट पी बाय रो तो वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट हमको पता है ये चीज भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज गिवन बाय स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय उंड की अब जरा देखो रो इज द डेंसिटी ये सोनो रो इज डेंसिटी और हमारे पास डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम है ना हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला है डेंसिटी कैन बी मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे मैं उस डेंसिटी की जगह अगर तो मास ये वॉल्यूम ऊपर चला, तो चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा दैट इज वी इज इक्वल टू दैट इज स्पीड गैम आय बराबर ना ओके okay?

थर्मल प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है वो हम लोग ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है ऑलरेडी टॉपिक सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं जाओ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ो वहां पे हम लोग ने सारे लॉस डिस्कस किए हैं ओके तो बॉइज लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो पीवी जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे अगर पीवी कॉन्स्टेंट है वॉट इज गैमा भाई गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड दैट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट वट इज गैमा ग्यामा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट और अगर वो स्पेसिफिक हीट का रेशो है तो वो तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है एंड व्हाट इज एम एम इज नथिंग बट द मास ऑफ गैस और मास ऑफ गैस है मास ऑफ एयर है तो मास तो कांस्टेंट रहता ही है मतलब ये सारा चीज कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है दैट इज हियर गैमर पी वी बाय आर कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट यर ईयर ग्यामा पीवी बाय एम आर कॉन्स्टेंट अगर ये चीज कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा स्पीड भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट इट मींस इट मींस स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कॉन्स्टेंट इट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड रिमेन कॉन्स्टेंट ओके मतलब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंडिविजुअली प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे ओके okay? प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा उससे स्पीड ऑफ साउंड को कोई भी लेना देना नहीं है ओके देयर विल बी नो इफेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड देर विल भी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये सारा का सारा टर्म क्या है सारा का सारा टर्म कॉन्स्टेंट है सिंस सारा का सारा टर्म कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई स्पीड ऑफ साउंड वेव भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा स्पीड ऑफ साउंड वेव भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा और जब कभी भी मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड वेव तो मैं बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडल वेव की ओके okay, याद रखना सारे लॉन्गिट्यूडन वेव की तो बात नहीं कर रहा हूं बट स्पीड इज अ साउंड स्पीडिट्यूड इजल एक्टल वेव तो इस सिचुएशन में wave का जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा ओके स्पेशली इन द केस ऑफ साउंड स्पेशली इन द केस ऑफ साउंड क्लियर बात समझ समझा एवरी वन मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर हम लोग देखने जाए तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है साउंड के स्पीड पे चलो आगे बढ़े इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का डिस्कशन करते हैं कि भाई टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा साउंड के स्पीड पे तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला कंसिडर करेंगे ये जो फॉर्मूला है ना यही फॉर्मूला हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे ओके okay, यही वाला फॉर्मूला हम लोग देखने वाले दैट इज वी इज इक्वल टू अंडरवुड ग्रामा पी वी बाय ये वाला जो वी है वो वेलोसिटी है और ये वाला जो भी है वो वॉल्यूम है, है याद रखना ये वॉल्यूम है तुम्हारा क्लियर बात आ रही हाँ या ना दिस इज द वॉल्यूम ओके दिस इज द वॉल्यूम ध्यान देना इस चीज को तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वी नो दैट क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट गैमा पी वी बाय द मास ना हा मास ऑफ द गैस क्या मैं बोल सकता हूं पीवी का मेरे पास एक फॉर्मूला है पीवी का एक फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन तुमको पता है ये चीज या अगेन अगर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो अगेन आई एम से भाई ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग ने ऑलरेडी सारा पढ़ा के खत्म करके रखा है वहां पे जाओ आइडियल गैस इक्वेशन समझो वहां से क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन ओके तो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या मैं बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होगा हाँ ना? क्या मैं बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होने वाला है क्या पी के की जगह एनआरटी पुट कर सकता हूं पुट कर दो तो देर तो फॉर क्या मिलेगा दस टू अंडर रूट गैमा एन आर टी बाय हा ना यस और नो कहानी समझ में आ रहा है दिस इज द गिवन मास ओके okay? अब मुझे पता है व्हाट इज एन बाई एम एन बाई एम इज नथिंग बट एम नॉट क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज गिवन बाय है ना तो यहां से एम को नीचे ले लो और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो तुमको क्या ही मिलेगा वन बाय नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहां पे अगर हम देखने जाएं देख लो ये चीज मैंने यहां पे ले ली तो एन बाय क्या मिल रहा है एम नॉट एंड व्हाट इज एम नॉट एम नॉट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास यस और नो तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई v कैन बी रिटर्न अंडर रूट ऑफ ग्यामा एन बाय एम आर टी जाएगा एम नॉट यस और नो अब यहां पे देखो भाई व्हाट इज गैमा गैमा इज कांस्टेंट आर आर इज अ गैस कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट एम नॉट एम नॉट इज द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट मतलब अगर ये सारा चीज कांस्टेंट है ग्यामा आर एम नॉट तो क्या मैं बोल सकता हूं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर मतलब यहां पे बोला जा सकता है वेलॉसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर यह चीज याद रखना ओके तो हम लोग बोल सकते हैं velocity of sound या फिर स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रपोर्शनल स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर टू द रूट ऑफ टेम्परेचर क्लियर बस स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर दैट इज बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर हा है ना क्लियर कहानी समझ में आ गया मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है अगर हम देखने जाए तो टेम्परेचर का कहीं ना कहीं इफेक्ट है टेम्परेचर का अगर मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं स्पीड भी क्या होगा बढ़ेगा बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर एवरी वन हा या ना कहानी समझ में आ गई यहां तक टेम्परेचर का डिपेंडेंसी समझ में आ गया सबको चलो अब डिस्कस करते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कितना स्पीड में चेंजेस आएगा ओके अस कंसीडर कि भाई कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कितना स्पीड में चेंजेस आएगा तो मान लो मान लो कंसीडर कंसीडर वी नॉट बी द कंसीडर वी नॉट बी द स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब टू सेवेंटी थ्री ओके मतलब हम लोग क्या ले रहे, है? हम ले ले रहे हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड, एंड, एक वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड वी बी द स्पीड ऑफ साउंड वी बी द स्पीड ऑफ साउंड एट मान लो t, समथिंग टी टेम्परेचर ओके एट टेम्परेचर दू सेवेंटी थ्री प्लस टी कैलविन ओके मतलब टू सेवनटी थ्री पे जीरो डिग्री सेल्सियस पे कुछ तो साउंड uh, की स्पीड विनॉट है जो कि हमको पता होती है अगर तुम देखने जाओ तो ये जो विनोट की स्पीड है ना ये विनोट की स्पीड हमको कहीं ना कहीं पता होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड यह जो विनॉट का वैल्यू है ना ये कहीं ना कहीं थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड होता है ये अपने वो कहीं ना कहीं, कहीं पता होता है ये चीज का ध्यान देना ओके okay? तो अगर मैं उसको टी टेम्परेचर से बढ़ा दूंगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी वी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी वी तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे वी नो दैट भाई वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब कहीं ना कहीं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरूड टू सेवन थ्री प्लस टी यस नो और वी नॉट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अंडर रूड टू सेवन थ्री अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है इक्वल टू डालना है तो यहां पे एक इक्वल टू डाल देते हैं और इसका रेशो बराबर हाँ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोग उसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं v1 by t1 uh, v1 by v2 is equal to t1 by t2 यस yes ऑनो no? तो यहाँ पे तुम्हारा v1 v हो गया uh, v2 तुम्हारा नॉट हो गया और यहाँ पे तुम्हारा t1 जो हो गया वो 273 प्लस t हो गया और तुम्हारा जो t2 हो गया वो 273 हो गया। क्लियर भाषण में आ गया बस हम लोग ने रेशो के फॉर्म में लिखा यहाँ पे और कुछ नहीं किया हम लोग ने और ज्यादा दिमाग हम लोग ने यहां पे नहीं लगाया यस और नो क्लियर भाषण में आ गया कि नहीं समझ में आ गया और देखो क्या मैं बोल सकता हूं वी कैन बी रिटर्न आस अंडर रूट ऑफ इसको रूट के अंदर ले, ले लेते हैं और स्प्लिट कर देते हैं तो यहां पर वन आ जाएगा यहां पर हो जाएगा टी बाय कैसे किया सर ये नहीं समझ में आया देखो सिंपली टू सेवेंटी थ्री प्लस टी है डिवाइड बाय 273 है दोनों को स्प्लिट किया तो 273 प्लस टी होल 273 डिवाइड बाय 273 दोनों को अलग किया ये ये कैंसिल हुआ यहाँ पे one बचा तो वन प्लस टी बाय टू अब समझ में आ गया एवरी समझ में आ गया सर बहुत बढ़िया आगे बढ़ो चलो अब यहां से जो तुम्हारा ये है ना क्या बोलते हैं रूट है ना उसको पावर में लिख देते हैं तो v बाय वी नॉट इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा टी और यहां पे पावर डाल देते हैं हाफ ओके वेर अल्फा इज द अल्फा का जो वैल्यू है वो वन बाय ट्वेंटी थ्री है इसको हम लोग ने किया है इसको हम लोग ने क्या कि? किया किया कि भाई जो अल्फा का वैल्यू रहेगा अल्फा एक अल्फाइन्ट टर्म है ना तो एक कॉन्स्टेंट है तो उसको वन बाय टू सेवेंटी थ्री लिख दिया अब बाय यूजिंग बाइनोमियल भाई हमको बाइनोमियल पता है कि जो वैल्यू है अगर ए बी से बहुत बड़ा है तो हम लोग बाइनोमियल में क्या करते हैं ये जो पावर है ये पावर अंदर ला देते हैं या सोनो तो बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल बाइनोमियल। क्या मैं बोल सकता हूं वी बायोट इज इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई टू अल्फा टी ना बराबर एंड व्हाट इज अल्फा अगर हम लोग अल्फा देखने जाए तो अल्फा इज वन टू वन डिवाइड बाई टू थ्री तो यहां पे क्या मिलेगा वी बायोट इज इक्वल टू वन प्लस वन डिवाइड बाय टू सेवन थ्री है ना इन टू टी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड करूंगा सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा विल बी हाँ ना ये वी है और नॉट को इधर भेज दो क्लियर अब वी नॉट को अंदर भेज दो तो वी नॉट सॉल्व करके इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके हाँ याद रखना ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है v नॉट को भी अंदर भेजने के बाद क्योंकि टू सेवेंटी थ्री थ्री थर्टी 332 होता है तो यहां पे मैं सारा सॉल्व करके 332 थर्टी टू इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स फोर फाइव ये पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो पॉइंट सिक्स वन टी आ रहा है मतलब अगर अगर मैं टेम्परेचर को एक डिग्री या एक केल्विन से बढ़ाऊंगा तो उसके वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा तो फॉर एवरी वन डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी वन केल्विन अगर एक डिग्री या एक केल्विन का इंक्रीमेंट होगा तो वहां पे उसका जो स्पीड होगा दैट विल बी चेंज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड दैट विल बी चेंज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड क्लियर बात में आ रहा है एवरी वन ना कहानी समझ में आ रहा है इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट क्योंकि जब ये नॉट यहां पर जाएगा तो वन से मल्टीप्लाई होकर नॉट हो जाएगा और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसी नॉट के जगह हम लोग ने टू थ्री थर्टी टू लिख दिया क्या लिख दिया थ्री थर्टी टू लिख दिया क्लियर समझा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा ओके okay? चलो सो दीज आर द टेम्परेचर का इफेक्ट ओके नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ओके ह्यूमिडिटी मतलब कि भाई तुम्हारा जो एनवायरमेंट है तुम्हारा जो एयर है ओके okay, उस एयर में कितना परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट है ओके अगर मान लो कि थोड़ा भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है मतलब वो ड्राई एयर है और मान लो कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा ह्यूमिड एयर है ओके okay? तो लेट लेटस्ट कंसिडर अस कंसिडर की स्पीड मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर ड्राई एयर में उसका जो स्पीड है उसको मान लेते हैं वीडी ओके एंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर उसको मान लेते हैं वीएम, मॉइस्ट एयर मतलब थोड़ा सा नमी वाला जो एयर है उसको हम लोग मान लेते हैं वीएम, सेम डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं सो डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ड्राई एयर की जो डेंसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं रोडी कितना मान लेते हैं रोडी ओके ड्राई एयर की जो डेंसिटी हो जाएगी वो रोडी हो जाएगी एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वन पॉइंट टू नाइन के जी पर मीटर क्यूब के आसपास है ओके okay? और डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर उसको रो एम मान लेते हैं और दैट विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट वन के आसपास है एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग कंफर्म कर लेना एक बार ओके okay? जो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर है उस मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं जीरोजी पर मीटर क्यूब है अब मुझे ये चीज पता है कि भाई जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यस नो दैट वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड द स्पीड ऑफ साउंड द स्पीड ऑफ साउंड ज इन्वर्सली इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द द स्पीड ऑफ साउंड वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डेंसिटी ओके मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी है ना ऐसी कुछ कहानी है रूट ऑफ डेंसिटी नॉट डेंसिटी रूट ऑफ डेंसिटी आएगा यहां पर टू द रूट ऑफ डेंसिटी रूट ऑफ डेंसिटी रूट हा रूट ऑफ डेंसिटी क्लियर बात सुनना एवरी वन हा ओके तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं यहां से इनवर्थली प्रपोशनल है तो अगर हम देखने जाए तो अगर मैं ड्राई एयर की बात करूं और मॉइस्ट एयर की बात करूं तो क्या इसको लिखा जा सकता है रो एम बाय रो रोडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो अगर वेलोसिटी यहां पे लिख रहे हैं तो उसका जो ड्राई एयर की जो डेंसिटी है वो यहां पे आएगी अगर यहां पे उसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं तो जो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी है वो यहां पे आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो बराबर -बर ना तो सिंस इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मेरे को पता है भाई डेंसिटी किसकी ज्यादा है ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉइस्ट एयर यस नो सो मैं बोल सकता हूं वी नो दैट we know that we know that density of dry air will be greater than density of moist air by dry air ki jo density hai dry air ki jo density hai wo moist air ki density se zyada hai और inversely proportional है तो velocity किसकी ज्यादा होगी भाई velocity ज्यादा होगी moist air में क्योंकि inversely proportional है ना इसकी डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम इसकी डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फॉर द वेलोसिटी एट डी विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ एम क्लियर मतलब ड्राई एयर की जो वेलोसिटी है वो लेस है किससे मॉइस्ट ओके okay, मॉइस्ट में इसलिए तुम देखो रात को जो आवाज है जो साउंड है वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है क्योंकि रात को तुम्हारे जो आसपास का सराउंडिंग है जो एयर है उसके पास कहीं ना कहीं क्या होता है कहीं ना कहीं उसके पास होता है ह्यूमिड उसके पास कहीं ना कहीं मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और दिन में क्या होता है दिन में धूप होता है तो धूप होता है तो हवे में उतना ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता ओके okay? तो जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी बट जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा याद रखना क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन समझा कहानी समझ में आ गई यस और नो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्लियर हो गया सबको चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज योर ओके अब एक्को तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि एक् क्या होता है जनरली तुम्हारा जो एक् है वो कहीं ना कहीं जब कभी भी तुम पहाड़ के सामने या फिर बड़े स्ट्रक्चर के सामने okay? कोई भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जब उसके सामने तुम लोग चिल्लाते हो तो वहां से क्या होता है जो साउंड होता है वो साउंड टकरा के वापस आता है जो साउंड क्या होता है साउंड टकरा के वापस आता है है यस एंड दैट दैट फिनोमिना फिनोमिना इज इज कॉल्ड कॉल्ड एज एज सबको पता डेफिनेशन सबको पता है तुम लोग लिख सकते हो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ बट एक् के लिए एक कंडीशन है कि कितना दूर अब जैसे तुम अपने दीवार अपने घर में देखते हो तुम्हारे घर पे भी तो दीवार है और वहां पे जब तुम चिल्लाते हो तो आवाज वापस नहीं आती क्यों नहीं आती क्या कारण है आवाज वापस नहीं आती तो देर कम कम तो चाहिए उस एक्ो के लिए अगर इतना डिस्टेंस नहीं होगा तो हमको एक् सुनाई नहीं देगा क्लियर बास आ रहा एवरी वन हा ओके सो okay? so, हम लोग अगर देखने जाए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस फॉर द एको तो हम अगर देखें मान लो कि यहां पे हमारे पास एक साउंड का सोर्स है दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड साउंड सोर्स और मान लो यहां पे अपने पास कोई ऑब्स्टिकल है कोई पहाड़ है कोई माउंटेन है ऑब्स्टिकल है ये ओके अब मान लो कि यहां से आवाज गई ये गई आवाज टकराई टकराने के बाद वापस आवाज मेरे पास आई बराबर वापस आवाज मेरे पास आई यसान अब मान लो जो स्पीड ट्रैवल है जो आ, ये साउंड ट्रेवल कर रहा है उसका जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है ओके okay? तो स्टैंडर्ड जो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर पे जो साउंड की स्पीड होती है वो 332 नहीं होती वो 340 के आसपास होती है 332 थर्टी टू जीरो डिग्री सेल्सियस पे होती है ओके okay? तो हम बोल सकते हैं कि एट नॉर्मल कंडीशन एट नॉर्मल कंडीशन एट नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल कंडीशन मतलब तुम्हारा जो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है उसकी बात कर रहा हूं नॉर्मल कंडीशन स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड हा दट इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड बराबर हा या ना? और उसका जो टाइम है ओके okay, मतलब उसका जो रिटेन टाइम है वो कितने टाइम में वापस आ रही है वो जीरो पॉइंट वन से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अगर जीरो पॉइंट वन से कम टाइम हुआ अगर जीरो पॉइंट वन से कम टाइम हुआ तो कहीं ना कहीं वो मुझे एक को सुना ही नहीं देगा क्योंकि मेरी आवाज जो है ना मेरी आवाज मेरी दिमाग क्या करती है 0.1 पॉइंट सेकेंड तक रिटेन करके रखती है आवाज को ओके मतलब अगर मान लो कि 0.1 मैंने बोला मैंने बोला और आवाज 0.1 पॉइंट सेकेंड से पहले ही मेरे पास आ गई तो क्या होगा मेरे दिमाग को क्या लगेगा कि ये आवाज टकरा के नहीं आई है जो मैंने बोला है वही आवाज मेरे कान तक गई है मतलब 0.1 पॉइंट वन सेकंड का इंटरवल गैप होना चाहिए उसके बाद अगर आवाज जाके मेरे पास आए तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ एक रिटेन टाइम होना चाहिए वो रिटेन टाइम कितना होना चाहिए रिटेन टाइम एटलीस्ट 0.1 सेकंड का होना चाहिए एटलीस्ट कितना होना चाहिए 0.1 सेकंड का होना चाहिए अब मुझे पता है भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो यहां से अगर हम देखने जाए तो डिस्टेंस क्या ही होगा डिस्टेंस होगा तुम्हारा स्पीड इन टू टाइम और मेरे पास सारा वैल्यू है जस्ट ऑल द वैल्यू तो डिस्टेंस इज इज टू स्पीड स्पीड 340। टाइम दैट बिकम मीटर और ये जाके आने का स्पीड है भाई ये जाके आने का स्पीड है, है ना ये जाने का और आने का स्पीड दोनों है मतलब सॉरी डिस्टेंस जाने का और आने का है बट अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखूं तो दैट बिकम सेवेंटी सेवेंटी मीटर हाफ डिस्टेंस अगर मैं बात करूं ये ये जो 34 मीटर आया ये तो साउंड जा भी रही है और आ भी रही है तो ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ ना वो 0.1 सेकंड में जा भी रहा है और आ भी रहा है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑप्सिकल इज सेवेंटीन मीटर द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्स्टेकल इज 17 मीटर 17 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्स्टेकल इज 17 मीटर क्लियर बास में आ रही बन हाँ ओके okay? मतलब अगर तुम्हारे और ऑप्स्टिकल के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं है तो तुम चाह के भी एको नहीं सुन सकते तुम बोलोगे नहीं सर मेरे घर में जब रूम खाली रहता है तो आवाज आता है गूंजता है आवाज जो गूंज रहा है ना दैट दैट इज इज नॉट कॉल्ड एज रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन एंड एंड देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन के लिए मिनिमम कम कम से तुम्हारे जो ऑब्स्टिकल है वो सत्रह मीटर से दूर होना चाहिए अगर सत्रह मीटर पे हो रहा है तो भी तुमको हो सकता है सुनाई दे हो सकता है नहीं सुनाई दे बट अगर सत्रह मीटर से दूर है तो तुमको परफेक्ट एक्को uh, सुनाई देगा परफेक्ट सुनाई देगा वो याद रखना हो कि अगर सत्रह मीटर से दूर है बट अगर सत्रह मीटर से पहले है पंद्रह मीटर तेरा मीटर

लेकिन हर जगह नहीं सुनाई देता क्यों बिकॉज ऑफ दिसन मीटर क्योंकि सेवेंटिन मीटर उसका लिमिट क्राइटेरिया ऐसा तुम बोल सकते हो कि अगर ऑब्स्टिकल सेवेंटीन मीटर से दूर होगा तो ही तुमको एक सुनाई देगा अगर वो सत्रह मीटर से पहले है सोलह मीटर पंद्रह मीटर तो हो सकता है उतना क्लियर एक या फिर उतना साफ ए या फिर उतना बेहतरीन है तुमको ना सुनाई दे या फिर सुना ही ना दे क्लियर हा नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर रिवर्बरेशन ओके नेक्स्ट इज योर रिवर्बरेशन एंड अकोस्टिक तो अगर हम लोग बात करें रिवर्बरेशन का भाई क्या होता है रिवर्बरेशन तो जैसे मैंने तुमको बताया कि एको के लिए एको के लिए अगर हम देखने जाएं तो एको के लिए कम से कम तुम्हारे पास जो आ, क्राइटेरिया है वो सत्रह मीटर का है मतलब अगर तुम्हारा ऑप्शिकल सत्रह मीटर से दूर है तो जाके तुमको जो रिफ्लेक्शन सुनाई देगा दैट विल बी अट विल बी अ कहीं ना कहीं वो एको है बट हम ऑडिटोरियम में गए या फिर हम खाली जगह पे गए ओके okay, या फिर हम खाली स्पेस पे गए वहां क्या होता है कि हम नोटिस करते हैं कि जब हमारा रूम खाली होता है तो हम कुछ बोलते हैं ना तो हमारी आवाज थोड़ी सी गूंजती है अब वो आवाज क्यों गूंज रही है बिकॉज कि भाई वॉल्स है ओके okay, बहुत सारे वॉल्स हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां वॉल से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है सिंस उस वॉल से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो वो रिफ्लेक्शन मेरे कानों में आ रहा है और उससे मेरे को मेरी आवाज गूंजती हुई लग रही है एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन और ये जनरली कहां पर होता है और ये एक ड्रॉबैक्स है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मान लो कि कहीं तुम ऑडिटोरियम में बैठे हो या फिर कहीं सिंगिंग कॉम्पिटिशन है क्या कुछ भी है अगर एक क्लोज ऑडिटोरियम है तो मेरी आवाज़ क्या होगी मेरी आवाज़ अगर गूंजेगी तो मेरा जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं होगा तो इसलिए तुम देखो नोटिस करना कहीं पर अगर साउंड का या म्यूजिक का काम चल रहा है या फिर कहीं रूम है तो हम लोग ने क्या रखा है एक साउंड एब्जॉर्बर सर्फेस आता है वो साउंड एब्जॉर्बर सर्फेस लगा के रखते हैं कि भाई अगर मेरी यहाँ से साउंड गई तो वो क्या करेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी वो जो साउंड एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उस सर्फेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर ऐसा बोला जाता है है कि तुम्हारा जो सरफेस है ना वो रफ रखो प्लेन मत रखो तो जब तुम सरफेस को रफ रखोगे ना तो तुम्हारी जो साउंड है वो कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना कि तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होकर आएगी ओके okay? तो दैट रिवर्बरेशन क्लियर में आ एकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द साउंड की प्रॉपर्टीज के साथ कि भाई साउंड को कैसे ट्रांसमिट करना है साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है ओके okay, साउंड को कैसे प्रोपोगेट करना है तो सारी साउंड की प्रॉपर्टीज के साथ जो स्टडी होता है फिजिक्स में उसको हम लोग बोलते हैं अकोस्टिक मतलब जो ब्रांच है इट इज अच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स का ब्रांच है ओके okay, याद रखना इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट इज अच ऑफ फिजिक्स ये एक फिजिक्स का ब्रांच है Which deal with, which deal with production, transmission of sound. Okay, it is a branch of physics which deal with the production, transmission of sound. Okay, ये yes सुनो. No? Okay, आकोस्टिक तुम देखने जाओगे तो तुमको नैचुरल आकोस्टिक भी मिलेगा. तुमको कहीं कही ना कहीं नेचुरल अकास्टिक जैसे बैट यूज करते हैं अगर तुमको पता होगा बैट या फिर डॉल्फिन जो है वो यूज करते हैं साउंड टू कम्युनिकेट ओके टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल भाई ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करने के लिए जो बैट है जो डॉल्फिन है वो यूज करते हैं साउंड का साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं तो, तो दैट इज नथिंग नेचुरल अकोस्टिक तुम बोल सकते हो फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा काम है इसका म्यूजिक में काम आता है गिटार दैट इज बेस्ड ऑन द साउंड uh, मोस्टली सारा म्यूजिक जो सिस्टम है वो साउंड पे बेस्ड रही है सोनो स्ट्रिंग पे जो स्ट्रिंग तुम्हारे तबला है स्ट्रिंग uh, म्यूजिक कौन सा हो गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोले तो मेरे ख्याल से गिटार हो गया सितार हो गया ओके okay? uh, ये सारे स्ट्रिंग हो गए फिर तबला हो गया ड्रम हो गया ये भी सारे सारी कहानी मतलब जो भी है वो सारा एकॉस्टिक में ही आता है अगर हम बात करें इसका मेडिकल पर्पस मेडिकल यूज भी बहुत है क्योंकि तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं सोनोग्राफी सुना होगा तुमने यस और नो ओके तो जो सोनोग्राफी हो रहा है दैट इज उसका जो बेस प्रिंसिपल है वो बेस प्रिंसिपल ही यही है दैट इज साउंड वेव वहां साउंड वेव का इस्तेमाल होता है साउंड वेव यूज करके कहीं ना कहीं इमेजिंग बनाया जाता है यस और नो तुमको पता होगा कि भाई जनरली ये प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट किया जाता है कारण यह है कि भाई वहां पे अगर हम प्रेग्नेंट लेडी का सिटी स्कैन या फिर एक्सरे ये सब करें तो हो सकता है जो बेबी है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ये रेडिएशन है ये सोनो इट वर्क ऑन द रेडिएशन बट जो तुम्हारा सोनोग्राफी है दैट इज अ प्योर साउंड वेव और साउंड वेव उतना ज्यादा तुम्हारा इफेक्ट नहीं करता वो कहीं ना कहीं हार्मफुल नहीं होता इसलिए तुमने सुना रहेगा अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी करना है हमको तो दैट अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी इज नथिंग बट अ यूज ऑफ साउंड वेव हम लोग यूज ऑफ साउंड वेव करते हैं उससे हमारा जो बेबी है उसका हेल्थ कैसा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये सारा हम लोग डिटेक्ट कर पाते तो मेडिकल में बहुत यूज है ओके फिर कैंसर्स भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है भाई जो कैंसर सेल होते हैं जो कैंसर्स एरियाज होते हैं बॉडी में वो भी डिटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड सोनोग्राफी का ओके क्लियर बात में आ रहा ये और नो तो दीज आर थियरी टॉपिक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है एक दो लाइन है तुम अच्छे से उसको रीड कर लोगे तो तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी ओके okay? और अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम में तुम लोग मुझे डीएम करके पूछ सकते हो कोई इशू नहीं है क्लियर बास में आ गया एवरी वन हा ना ओके okay? So, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सिर्फ दो टॉपिक बचा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बचा हुआ है और डॉपलर बचा हुआ है तो वो हम लोग डिस्कस करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल एंड कर देंगे ये टॉपिक मतलब हार्डली दो लेक्चर और लगेगा हम लोग ये टॉपिक एंड कर देंगे ओके क्लियर एवरी वन बात समझ आ गया चलो सो so, अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पढ़ाई चालू कर दो क्योंकि भाई तुम्हारा ट्वेल्थ पास आ चुका है ओके okay? तो पढ़ाई चालू कर दो जो भी 11th के टॉपिक जो बेस्ट टॉपिक है वो सारे क्लियर कर लो ओके okay? क्योंकि अगर लेवंथ के बेस टॉपिक तुम लोग क्लियर नहीं करोगे okay? तो ट्वेल्थ में तुमको चीजें बहुत ज्यादा हार्ड जाने वाली है याद रखना ओके okay? चलो सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही दैट सेट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरी